वेलकम टू द चैनल इंजीनियर्स प्रो। आज की क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग एक्सरसाइज 3.4। चलते हैं सीधे बोर्ड पे। जो पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला जो हम लोग देख लिए हैं प्रतिस्थापन विधि, ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में किया है। इस एक्सरसाइज में विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड को भी देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग विलोपन विधि ही देख लेते हैं। आइए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस y इक्वल्स टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो विलोपन विधि क्या है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब है आइदर x टर्म और y टर्म को हम लोग कैंसिल करेंगे। तो कैसे कैंसिल करेंगे, उसके लिए आपको अब देखिए x x कैसे कैंसिल होगा, यहाँ कोफिशियंट 2 है, यहाँ कोफिशियंट 1 है, और y भी कैंसिल कैसे होगा, यहाँ कोफिशियंट 3 है, यहाँ कोफिशियंट 1 है। तो आपको क्या करना होगा, यदि x टर्म को एलिमिनेट करना है तो कोफिशियंट सेम करना होगा। तो उसके लिए आपको समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यदि y टर्म को कैंसिल करना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कोफिशियंट को सेम करेंगे और फिर आइदर सब्सट्रैक्ट करेंगे और ऐड करके एलिमिनेट करेंगे टर्म को, विलोपन विधि के थ्रू इसको एलिमिनेट करेंगे और एक चर के समीकरण आएंगे, उससे एक चर का मान निकल जाएगा। फिर किसी इक्वेशन में उस चर का मान रखेंगे तो दूसरे चर का मान निकल जाएगा। तो आइए इसको, ये मैंने थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको y टर्म को एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 दिया 15, 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुना कर समीकरण 2 में जोड़ने पर, जोड़ेंगे क्योंकि एक कोफिशियंट प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो जोड़ेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। आइए उसको कर लें। तो सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो सिंबल सेम ही रह जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। 3 2 5 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15 4 19। तो अब देखिए इसमें एक टर्म एलिमिनेट हो गया, इसीलिए इसको विलोपन विधि बोलते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 19 डिवाइडेड बाय 5। अब इस x का वैल्यू पहले इक्वेशन में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, x प्लस y इक्वल्स टू 5। x कितना है, 19 बटे 5 प्लस y इक्वल्स टू 5। y बराबर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 5।
एलसीएम 5 आ जाएगा, ये कुछ नहीं है, 5 बाय 1 है, तो 5 पचे 25 माइनस 19 क्या आ जाएगा, 6 बाय 5। तो y का वैल्यू आ गया 6 बाय 5 और x का वैल्यू आ गया 19 बाय 5। इसको या तो x का मान इसी समीकरण में रख के भी निकाल सकते हैं, आइदर आप लोग क्या करेंगे, अब x टर्म को टर्मिनेट करेंगे, तो x टर्म को टर्मिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लीजिए। मैं आपको डिफरेंट विभिन्न आयाम बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 5 दुना 10, 10 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो, और ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब देखिए दोनों कोफिशियंट प्लस में है, तो आपको क्या करना होगा एलिमिनेट करने के लिए, माइनस करना होगा, तो हो जाएगा माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस। अब 2x कैन एलिमिनेट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 5, 5y बराबर 10 में से 4 गया 6, वाई बराबर 6/5। तो आप दोनों मेथड कर सकते हैं, आइदर एक बार एक्स को एलिमिनेट करिए फिर वाई को एलिमिनेट करिए, दोनों वैल्यू आ जाएगा, या एक का मान निकाल लीजिए और वो किसी भी समीकरण में रख दीजिए, दूसरे का चर का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये था विलोपन विधि, अब इसी को प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर लेते हैं। बोर्ड को कर दीजिए क्लीन। विलोपन विधि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है अभी, और प्रतिस्थापन विधि पिछले चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसको बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक चर में का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। तो इसमें y का वैल्यू निकाल लीजिए पहले समीकरण से, क्या आ जाएगा, y बराबर 5 माइनस x। अब यह y का वैल्यू ये वाले समीकरण में पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इंटू वाई बराबर 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। 2x माइनस 3 पचे 15 और प्लस माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल्स टू 4, ये क्या आ जाएगा, 3 2 5, x बराबर 15 उस साइड प्लस में चला जाएगा तो 15 प्लस 4 ये हो जाएगा 15 4 19, x बराबर 19 डिवाइडेड बाय 5। देखिए आपका आंसर सेम आ रहा है 19/5। अब इस x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आइए पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5 माइनस 19 बाय 5, तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा, 6 बाय 5। तो दोनों विधि से आपका आंसर सेम ही आएगा, बट अलग अलग प्रोसेस आपको जानना है। तो मैंने एकदम बेसिक से डिटेल बताया है, तो कैसा लगा सॉल्यूशन कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।